जनपद संभल के चंदोसी में भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 130वीं जयंती कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए धूमधाम से मनाई गई। आज देश भर में भारत रत्न संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 130वीं जयंती उत्साहपूर्वक माहौल में मनाई जा रही है। इस अवसर पर जनपद संभल के चंदोसी में माल गोदाम में स्थित अम्बेडकर पार्क में भी एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें बाबा साहेब के अनुयायियों ने अंबेडकर साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। इस दौरान कोरोना गाइडलाइन का भी पूर्णतः पालन किया गया। इस मौके पर सतीश प्रेमी ने बताया कि प्रत्येक वर्ष नगर में धूमधाम के साथ अंबेडकर जयंती मनाई जाती थी, लेकिन पिछले साल तो कोरोना की वजह से कोई भी कार्यक्रम आयोजित नहीं किया गया था और इस वर्ष भी कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए ही अम्बेडकर जयंती मनाई गई है। वंचित किया जा रहा है। प्रश्न ये है कि जो कमाने वाले हैं उनको धकेला जा रहा है पीछे, और जो बिचौलिए हैं और जो बड़े उद्योगपति हैं नेशनल इंटरनेशनल, उनके पक्ष में जनता की जेब से पैसा निकाल के, सारे साधन निकाल के, ज़मीन और सारी चीज़ों को निकाल करके उनके लिए किया जा रहा है। और जाति और धर्म के नाम पर, कोरोना के नाम पर, कोरोना है इसमें दो राय नहीं है, लेकिन सारे धार्मिक कृत्य हो रहे हैं, लेकिन सामाजिक राजनीतिक कृत्य जो क्रांतिकारी बाबा साहब के विचार हैं उन पर चर्चा ना हो, वो लोग इकट्ठे ना हों, तो उन पर रोक लगाई जा रही है, ये निंदनीय है। जबकि अभी बहुत सारे धार्मिक कार्यक्रम हुए, यहीं पर बगिया वाली हुई और दूसरे प्रोग्राम हुए, उनमें इतनी भीड़ थी कि महिलाएं एक दूसरे पर चढ़ रही थी, लेकिन कोई रोक नहीं थी। और बाबा साहब को याद किया जाए, उनके विचारों को जनता तक पहुँचाया जाए, मेहनत का समाज जागरूक हो और आज जो षड्यंत्र हो रहे हैं वो जाने, वो इस पर रोक लगा रहे हैं, ये बहुत निंदनीय है। और हम महसूस करते हैं और हम ये संकल्प लेते हैं कि निश्चित रूप से इनकी पराजय होगी और जो मेहनत कश हैं वो ऊपर आएंगे, उनकी सत्ता आएगी, वो सत्ता पर बैठेंगे और मानवता की ओर बढ़ेंगे, उनकी बहबूदी के लिए काम करेंगे। इस विश्वास के साथ मैं जय भीम जय समाजवाद। आज देश में परम पूज्य बाबा साहब की 130वीं जयंती है। इस अवसर पर पूरी चंदौसी में, पूरे देश में, पूरे प्रदेश में अंबेडकर जयंती मनाई गई लोगों में हर्षोल्लास के साथ। मुझे केवल यही कहना है कि आज परम पूज्य बाबा साहब का जो दिया हुआ पूरे देश को संविधान था, उस संविधान से हम लोग संकल्प भी लें कि उस संविधान के अनुसार देश को चलाएंगे, उसको मानेंगे, उसी के लिए जिएंगे और उसी के लिए मरेंगे। क्योंकि आज परम पूज्य बाबा साहब की जयंती निश्चित तौर पर तो सही है कि कोरोना काल है, लेकिन जिस तरह के पूरे देश और प्रदेश में बाबा साहब के अनुयायियों पर, उनके मानने वालों पर, उनके चाहने वालों पर जिस तरह से विचारधारा को ख़त्म किया जा रहा है, उनके ऊपर उत्पीड़न हो रहे हैं, मुझे स्पष्ट ये कहना है आज के दिन कि हम सब अम्बेडकर अनुयायी, इस देश में बाबा साहब को मानने वाले लोग, इस देश में संविधान को मानने वाले लोग, ये संकल्प लें आज कि इस देश में संविधान का राज होगा, संविधान की चलेगी। राजा का राज नहीं है, राजसी नहीं है, लोकतंत्र का राज है। लेकिन आज देश की सत्तारूढ़ पार्टियों ने ये ख़त्म कर दिया, ये एहसास कराया कि इस देश में संविधान से राज नहीं चल रहा, इस देश में कानून से राज नहीं चल रहा, देश में तमाम चाहने बाबा साहब के चाहने वाले लोग पीड़ित हैं। आज बिल्कुल दुख में हैं, क्योंकि जिस तरह अम्बेडकर जयंती पर, अम्बेडकर शोभा यात्रा पर रोक लगाई है, वो निश्चित तौर पर निंदनीय है, निंदा के योग्य है। तमाम धर्मों के लोग, तमाम लोग अपनी जयंतियाँ मना रहे हैं। मैंने भी चंदौसी में जयंतियों का और शोभा यात्राओं का उद्घाटन किया है, लेकिन केवल 15 दिन में, केवल 10 दिन में अम्बेडकर जयंती पर जिस तरह से शोभा यात्रा पर प्रतिबंध लगाया गया, निश्चित तौर पर खराब। देश चलेगा, देश में सरकारों की उम्र 5 साल हुआ करती है, ज्यादा उम्र नहीं हुआ करती, बड़े बड़े सत्ताओं का राजधराशायी हुआ है, फिर निश्चित तौर पर ये अम्बेडकर अनुयायी, ये संविधान को मानने वाले लोग ये दुखी होकर के कह रहे हैं कि आपकी सत्ता को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे, जिस तरह से आपने चंदौसी में अम्बेडकर जयंती को, अम्बेडकर शोभा यात्रा को रोकने का काम किया है। जय हिंद, जय समाजवाद, जय संविधान, जय भीम।